Hello friends, welcome back to my channel. आज मैं चना चिल्ली विभा की रसोई से लाई हूँ। मैंने 2 कप चना लिया है, उसमें 1 ग्लास लगभग पानी डालकर कुकर में इसे 4 या 5 सीटी लगवाएंगे। उसके बाद इस उबले हुए चने में लगभग 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद एक पैन में रिफाइंड ऑयल डालकर इसे चने को क्रिस्प होने तक तलेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम में आप इस चने को तलें। देखिए मेरा ये चना बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है। अब मैं दूसरे पैन में तले हुए ही तेल को 2 चम्मच डालकर इसमें 1 कटा हुआ प्याज, थोड़े से लहसुन डालकर हल्का सा सौते करना है, बिल्कुल लाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए, अब इसमें मैं 4 से 5 हरा कटा हुआ मिर्च भी डाल देते हैं। इसके बाद हल्का फ्राई करना है और इसी में हम टोमेटो सॉस रेड चिल्ली सॉस थोड़ी सी 1 चम्मच लगभग रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस आप 2 चम्मच दीजिएगा, रेड चिल्ली सॉस 1 चम्मच क्योंकि हम हरा मिर्च भी डाले हैं, और ग्रीन चिल्ली सॉस 1 चम्मच। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक मिलाकर चलाना है। देखिए तेल सेपरेट होने लगा है। सेपरेट होने के बाद हम इसमें तला हुआ जो चना है उसे डाल देंगे और तुरंत फ्राई करना है, इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये बिल्कुल हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म बरसात के दिनों के में सर्व करें, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, आप इसे ट्राई करें। थैंक यू।